एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? बताओ, आज हम देखने जा रहे हैं माय फर्स्ट यूरो ट्रिप और ये वीडियो है बाय आकाश गुप्ता। आज तो मतलब पेट दर्द होने वाला है, फुल ऑन आप नीचे गिर के हंसने वाले हो। इसलिए मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूँ। आई नो मतलब वीडियो के पहले डिस्क्लेमर होगा उनके, लेकिन फिर मैं भी दे देती हूँ कि यार मतलब आप गिरने वाले हो। मैं मेरे साथ, यस आई मी टू, सेम सेम। सो लेट अस सी एक स्टैंड अप कॉमेडी बाय आकाश गुप्ता इज गोइंग टू बी। चल देखते दोस्तों, एंग्री यंग मैन मेरा एक घंटे का पहला कॉमेडी स्पेशल लाइव हो चुका है। ये वीडियो आप देखने वाले हैं, ये उसी स्पेशल में से 12-15 मिनट के जोक्स हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे और आप बाकी के 45 मिनट देखना चाहते हैं या पूरा शो एक साथ देखना चाहते हैं तो आप अभी देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन कॉमेंट्स में शाबाश और जोर से हॉर्न मार ले। इस वीडियो के नीचे टिकट लिंक है जिसमें आप वो टिकट खरीद सकते हैं और वो आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा जिसका नाम है insider.in। वहाँ पर वो पूरा स्पेशल अवेलेबल है देखने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। बाकी माइन्यूट डिटेल्स स्पेशल के बाद में, अगर आपको सारा ही टेक खराब कर दिया मेरा, बाकी माइन्यूट डिटेल्स अगर आपको स्पेशल के बारे में जाननी है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। साढ़े बट मैं पहली बार यूरोप गया था यार, बहुत सुंदर है यूरोप। और ना यूरो ट्रिप का क्रेज भी बहुत था मुझे, क्योंकि मैंने मूवीज़ में देखा था, गानों में देखा था। मज़ा बहुत आता है पर दिक्कत भी बहुत होती है। एक तो उन्होंने मजाक में देश बना रखे हैं, एरिया है नहीं उतना इनके पास। जैसे आप यहाँ से थाने जाओ, थाने से कल्याण जाओ, वहाँ से पुणे जाओ, चार कंट्रियाँ उनकी। ऐसे कल्चर चेंज होते हैं, ऐसे भाषा, ऐसे लोग, कितना अडेप्ट करे यार। और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक देश है भाई वहाँ, फ्रांस। अगर आप में से कभी कोई फ्रांस घूमने जाना चाहता है जाओ, बहुत सुंदर है। पर प्लीज़ एक एडवाइस ले लो मेरी, फ्रेंच सीख के चलना चाहिए, क्योंकि वो इतने एलीट लोग हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पे फ्रेंच मारते रहेंगे, तुम्हारे समझ आए ना है, वो लगे रहते हैं विश 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 विश। सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड विश विश, आई कांट विश आपका भूतनी के नहीं आ रही समझ, बोली जा रहा आधे घंटे से, मत कर मुझसे बात। फ्रेंच पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट रूड पीपल इन द वर्ल्ड, सुना है आप लोगों ने, है ना। और वो प्राइड लेते हैं इसमें, पता कि हाँ है हम, तुम आए हो हमारे देश, तुम हमारी भाषा सीखो, हम क्यों तुमसे इंग्लिश में बात करें। तो बहुत रूड लोग होते हैं, कोई हेल्पफुल इंसान नहीं होता यार वहाँ। मैं पेरिस में था, एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन था, मैं भटक गया वहाँ पर। मतलब 6-7 मेट्रो की लाइनें सब कुछ फ्रेंच में लिखे, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी इग्नोर। इंडिया में बोलो, सामने से बंदा बोलता है ब्रदर, इसको पता नहीं है मैं चीज क्या हूं, साले मॉन्सियर कहीं के। फिर दो लोगों ने हेल्प करी हमारी, गलत भेज दिया। अब मैं और भटक चुका हूं स्टेशन में भाई, 1.5 घंटा हो गया मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूं यार। तो मैंने गिव अप ही कर दिया, मैं कहीं ही रात काटनी पड़ेगी इन्हीं सुरंगों में। ये होमलेस बंदा गिटार बजा रहा है, मैं इसके साइड पे तबला बजा लूंगा, कोई मेरे मुंह पे 2 सिक्के मारेगा, मैं भी खाना खा के यहीं सो जाऊंगा। तो जैसे मैंने गिव अप कर दिया था ना, मुझे दूर कहीं 2-3 आवाजें सुनाई दी, ऐसे ना कोई 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। यार मैं तुझे बोला था हमें वहां से जाना चाहिए, मेरी बात नहीं पता है। आप फॉरेन कंट्री में भटक जाओ और आपको देसी लोग की आवाज सुनाई दे, एक कलेजे को ठंडक सी मिलती है यार। और मैंने एक चीज देखी है, हमारे लोग वहां जाके सुधर भी जाते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ क्या हरामी, वहाँ फुल मैनर्स आ जाते हैं उनमें। जैसे वो लड़कियाँ थी, हमें जानती भी नहीं थी यार, इतनी हेल्प करी उन्होंने हमारी। उन्होंने अपनी ट्रेन छोड़ी, कह रही पहले हम आपको बिठाएंगे, वो हमें लेके गई, कह रही इस ट्रेन में बैठना है आपने, उस स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म से ये एग्जिट लेना है। और इंडिया में कर लो आप, किसे हेल्प मांग लो, बेसिक बेसिक हेल्प मांग लो। भाई साहब ये शिमला की बस यहीं से जाएगी, अंधा है ऊपर लिखा है, मैं टिटी दे तू हट, लड़ाई होगी, चिड़े रहते हैं, हट हट, मूड खराब रहते हैं। बाहर फुल मैनर्स चल रही है, हाउ यू, आई एम गुड, हाउ यू, गुड डे, नो वरीज। एक तो कोई बताता नहीं है ना, मैं जैसे मैं भी पहली बार बाहर गया था यार, तो मुझे नहीं पता था कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना होता है। जैसे मुझे नहीं पता था कि गोरे जो हैं वो एक दूसरे को देख के ग्रीट करते हैं। अब मैं सड़क पर चल रहा हूं, 2 बुड्ढे मुझे देख के स्माइल किए जा रहे हैं, मैं किसको कर रहे हैं। फिर 2 और आए, मैं क्या हंस के मुझे देखे, यार हमें आदत ही नहीं इतने प्यार की। भाई मैं दिल्ली से आया हूँ, वहाँ आई कॉन्टैक्ट मतलब लड़ाई होती है,
वहां नीचे देख के चलते हैं ऐसे, कोई दो सेकंड एक दूसरे को देख लेना, ऐसा हो जाता है क्या क्या तब से देख रहा है, मैं देख रहा हूँ तब से, मैं साढ़े तेरी आंखें निकाल लूंगा बाहर, तब से देख रहा हूँ मुझे, बस मूड खराब। तो ना मुझे रियलाइज हो गया बहुत जल्दी कि मैं फ्रेंच सीखे बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगा वहां पर। तो ना मैंने बेसिक फ्रेंच सीख ली, जैसे बोंजूर, जे मपल आकाश, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है वो मैंने सीख लिया, ऐसे बोलते हैं पार्ले वू अंग्लिस, इसका मतलब डू यू स्पीक इंग्लिश, तो सामने वाले बंदे को आती है तो वो बोल देता है उई, फ्रेंच में उई मतलब हाँ होता है, बहुत अजीब भाषा है, आवाजें निकालते रहते हैं। मैं पेरिस में घूमा, दो लड़की आपस में बात करी, उई 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 उई, तो मैंने भी पीछे से कर दिया, मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर कोई परछाई, बिजली गिरानी, मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई ई, केरी विश विश विश, मैं कहा वनी ई, टिक टिक वन, टिक टिक टू, पूरे यूरोप की भाषा बहुत खराब है। जर्मन में बाय को बोलते हैं चूस, मेरे को नहीं पता था, पता एक बंदा है मेरे पास कह रहा है चूस चूस, तू चूस बदतमीज बीएसडी के। तो मैं जितनी फ्रेंच सीख ली थी ना, मैं तो कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइव सिचुएशन में। तो मैंने एक बेकरी में घुस गया, बॉन्जूर बॉन्जूर, किसका सही है ये राग भैरवी को छेड़ दी बॉन्जूर पे आपने, हाँ। आप घराने से हैं कोई? तो मैंने बड़ी हिम्मत करी, मैं कहू पार्ले वो आंग्लेस, पता था क्या इसका कुछ मतलब होता है क्या फ्रेंच में जो मुझे नहीं आता? और बस सबसे दिक्कत कब होती है वहां जब आप उनको ये समझाना चाहते हो कि आप क्या खाना चाहते हो, क्योंकि वो लोग जो खाते हैं आप एज अ टूरिस्ट 6-7 दिन एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद आप इरिटेट हो जाते हैं, यूरोपियन लोग कुछ भी पकाने को तैयार नहीं है, सब कुछ कच्चा खा जाते हैं एकदम, ठंडी सलामियां, कच्चा मीट एकदम, मतलब समंदर से सामान निकालते, ले ये लिखा ऑयस्टर, ऐसे खाते कच्चे, और ब्रेड के नाम पे तो भाई वो किसी पहाड़ से पत्थर तोड़ के लाते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेंच बगेट, जैसे हम खाते हैं ना ये ऐसे स्लाइस ब्रेड, ये नहीं खाते वो पत्थर ब्रेड खा रहे होते हैं भाई, मैं इतना परेशान रहता था, मैं उनकी बेकरी में उनको समझाया जाता हूँ, यस यस दिस हॉट, गर्म करना है इसको, ये वार्म, अरे समझ तेरे कुछ, माइक्रोवेव घूम वहां से, विश 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 विश, मैं कहा दे दे बात नहीं करनी मुझे, दे 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 दे, ऐसे खाऊंगा मैं, ठंडा खाऊंगा, दो दांत रह गए बगट में मेरे, गरम नहीं किया उसने, मैं इरिटेट हो गया। ओ भाई यार सारे, बस यार और नहीं चला जा रहा मेरे से, लकी चिक्की क्या ये सच में, लकी चिक्की क्या है यार, मैं बस हो गया, ओ भाई मेरे गॉड दैट्स इनसेन ऑन अनदर लेवल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, फुल वो लाट हेडली हंसा है मैंने, आई लव इट, इसीलिए आकर जाके कभी भी स्टैंड अप आते हैं ना मैं कंपल्सरी देखती हूँ कंपल्सरी, ऐसा कोई भी स्टैंड अप नहीं है जो भी आकर गुप्ता का और हमने देखा नहीं होगा मैंने चैनल पे, लोट पोट होके हंस के मैं नीचे गिर के, यार इसके सेकेंड वाला और भी है थोड़ा, अगला वाला पार्ट हम देखेंगे यार। सो या दैट इज इट फॉर टुडे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू, थैंक यू।